हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कलेक्टिव सिक्योरिटी। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग, रीजन, डेफिनेशन एंड अजम्पशंस की। एंड इस सेशन में हम करेंगे जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसकी नेचर और फीचर्स क्या हैं, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो नेशंस हैं, वर्ल्ड की सभी नेशन आपस में मिलकर जो अग्रेशन दिखा रही है इस कंट्री के अंगेंस्ट हैं। तो अगर किसी एक कंट्री पर वॉर होती है तो ये माना जाता है कि सभी कंट्रीज पर वॉर है, इसीलिए सभी कंट्रीज आपस में मिल जाती हैं और जो कंट्री वॉर कर रही है उस कंट्री की अंगेंस्ट हो जाती हैं। तो इस तरह वो अपनी पावर को कलेक्टिवली क्या कर रही हैं, नेशंस को प्रोटेक्ट करने में यूज़ करती हैं, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, इसको मेंटेन किया जाए। मर्गन थाउचे कहते हैं कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इट मीन्स क्या हो गया, अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ये माना जाएगा सभी नेशंस पर अटैक हो रहा है और सभी नेशंस आपस में मिल जाएंगे। जब हम कह रहे हैं ना आपस में मिल जाएंगे, वो कलेक्टिवली एक्शन लेंगे, तो उनका जो कलेक्टिवली एक्शन है फॉर अ वन कंट्री, ये ही क्या कहलाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी कहलाता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की क्या क्या मेन फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये पावर मैनेजमेंट की डिवाइस है। पावर मैनेजमेंट की थ्री डिवाइसेस है, बैलेंस ऑफ पावर जो हमने पहले किया था, आफ्टर दैट कलेक्टिव सिक्योरिटी, और उसके बाद थर्ड आती है वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसमें से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये मिडल लेवल की एक डिवाइस मानी जाती है। तो जो ये डिवाइस है ये क्या है, मॉडर्न डिवाइस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये आज के टाइम में प्रिवेल करी है, कंटेम्प्रेरी पीरियड में अगर किसी की रेलिवेंस है तो वो किसकी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की है, विच इज आल्सो द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ इट। मीनिंग जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। मर्गन थाउ है वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, इट एज सेंटर टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंट्रल पॉइंट है, इसके बेस पर ही हम इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर टू, मेंटेनेंस ऑफ पीस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस। अब जी क्या कह रही हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट करना चाहते हो तो ये एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए ये कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, ऑफ ऑल द नेशंस। तो ये कह रहे हैं कि नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेशल अलायंस और अ पर्टिकुलर नेशन, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस क्रिएट करेगा तो वो सिर्फ एक नेशन की या फिर एक अलायंस की ड्यूटी है, इसके लिए आपको खुद ही एक्शन लेने होंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इसकी हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसीलिए हर एक नेशन को अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इंटरनेशनल रिलेशन है इसको स्मूथ बना सकते हैं, हम पीस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो हम सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर थर्ड, सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन इज कनेक्टेड टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। मीनिंग अगर हम चाहते हैं कि हम अपने नेशन को प्रोटेक्ट करें तो जो हमारे नेशन की सिक्योरिटी है जी किससे क्लोजली रिलेटेड है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से। मीनिंग जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी जी बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है। अगर आज के टाइम में किसी एक कंट्री के साथ वॉर होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है 2022 में, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा है।
चाहे घर में हमारे डोमेस्टिक मैटर्स हैं, इनमें इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी हो, फूड प्रोडक्ट्स हैं इसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, पेट्रोलियम के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, कैसे भी इम्पैक्ट पड़े तो पड़ता हर एक कंट्री पर है, क्योंकि आज के टाइम में हम ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। तो इसीलिए जो कहते हैं, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अटैक ऑन वन नेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आप ये नहीं कह सकते दो कंट्री आपस में लड़ रही हैं, मुझ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगर आपके घर में इंक्रीज हो रही है तो डोमेस्टिकली आपकी पोजिशन भी वर्स्ट हो रही है, तो ये भी आपके ऊपर इम्पैक्ट है। इसीलिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर पीस है इसको मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट कीजिए। नेक्स्ट इज राइट टू सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का राइट मीनिंग जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है जी जस्टिफाई करते हैं, अगर कोई कंट्री आप पर अटैक करती है और आप अपने बचाव के लिए अपने डिफेंस के लिए कोई एक्शन लेते हो तो ये कोई गलत नहीं है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जस्टिफाई द एक्शंस टेकन इन सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग नहीं की है अग्रेशन दिखाने की। अग्रेशन दिखाने की स्टार्टिंग किसने की है? जिसने अग्रेशन दिखाया है, जिसने अटैक किया है उस कंट्री के अंगेंस्ट हम सब एक्शन ले रहे हैं, इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता और जो इस बात को जस्टिफाई भी करती है। नेक्स्ट इज इट एक्सेप्ट्स द यूनिवर्सैलिटी ऑफ अग्रेशंस, मीनिंग जी थ्योरी ये मानती है कि जो अग्रेशन है हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अग्रेशन है, वॉर है, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इम्पार्ट सब्जेक्ट है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो वॉर्स और अग्रेशन कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन उसके लिए हम क्या हैं, हम सब आपस में मिलकर उसके अंगेंस्ट खड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज All states are committed to pool their resources against aggression, meaning अगर एक कंट्री aggression गुस्सा दिखा रही है, जैसे आज के टाइम में आ रहा है चाइना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा aggressive बन रहा है, तो अगर एक कंट्री aggression दिखाती है तो अगर सभी कंट्रीज मिल जाएं, अपने resources हैं उनको pool कर ले, इकट्ठे कर ले, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी और वो अग्रेसिव कंट्री के अंगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो इसीलिए तरह जो इंटरनेशनल पीस है वो रिस्टोर हो जाती है अगर कोई इसको वायलेट करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट करने के लिए सभी कंट्रीज को अपनी पावर है इसको प्रिपोंडरेंस करना ही पड़ेगा, दिखानी ही पड़ेगी। अगर तक हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठे नहीं करेंगे, पूल नहीं करेंगे, तब तक इंटरनेशनल लेवल पर पीस क्रिएट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट सॉवरेंटी। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, स्टेट की सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करता है। हम ये मानते हैं हर एक स्टेट, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, डिवेल्प्ड है अंडर डिवेल्प्ड है, हर एक कंट्री की अपनी सॉवरेंटी है जिसको प्रिजर्व करना हर एक नेशन चाहता है। तो इट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ द स्टेट। सभी स्टेट्स क्या हैं, इक्वल हैं, चाहे वो डिवेल्प्ड है चाहे अंडर डिवेल्प्ड है, रिच है पुअर है, इससे किसी का कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इज टू मेंटेन स्टेटस क्यू। इसका मीनिंग क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो जैसे है उसको वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं, जे नहीं चाहते कि इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा चेंजेस हो। तो मींस द पोजीशन ऑफ ईच स्टेट शुड रिमेन एज इट इज। हम किसी की पोजीशन के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू किसी कंट्री को डोमिनेट बना दे और किसी को इन्फीरियर बना दे, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चेंज नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी इज डिटरेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम सब मिलकर जो अग्रेसिव कंट्री है उसके अटैक को इनअफेक्टिव बना रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं,
तो अफेक्टिव डिटरेंट ऑफ स्टेट्स विद अग्रेसिव डिजाइन, तो ये कहते हैं जो ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्टिव पॉलिसी है जिसको अग्रेसिवली डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई आप पर गुस्सा दिखा रहा है तो आपको भी उससे ज़्यादा अमाउंट पर गुस्सा दिखाना है, आपको उससे ज़्यादा अपनी पावर दिखानी है। तो इससे क्या होगा, जो कंट्री आप पर अग्रेशन दिखा रही थी वो कंट्री डर जाएगी, इसीलिए इसको क्या कहती है, अग्रेसिवली डिज़ाइन की गई है। तो इससे क्या होगा, अदर नेशंस हैं वो ये नहीं करेंगे कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी कंट्री पर अपना गुस्सा दिखाएं, हम इंटरनेशनल रिलेशन में किसी कंट्री पर अटैक करें, तो अदर कंट्रीज हैं वो भी ये नहीं करेंगे। तो ये अफेक्टिव पॉलिसी है, अफेक्टिव डिटरेंस टू स्टेट विद अग्रेसिव डिज़ाइन। तो इस तरह जो अग्रेसिव थिंकिंग है नेशन की, उसकी जे अंगेज्ड हो जाती है एंड अदर कंट्रीज है वो अग्रेशन नहीं दिखा पाती हैं। नेक्स्ट इज स्पॉटर ऑफ ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर, ये किस में बिलीव करती है, ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर, मीनिंग जो पावर है अगर हम ग्लोबली सभी अपनी पावर को मिला देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव पावर है वो क्रिएट होगी, इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर हम पीस को क्रिएट कर पाएंगे। कहीं एक नेशन है और पूरा वर्ल्ड है, अदर नेशंस हैं, तो अगर ये सभी मिल जाएंगे तो इसके अंगेंस्ट खड़े हैं तो ये क्या होगी, इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है और पूरे वर्ल्ड के नेशंस हैं इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए इन सबको मिलकर अग्रेसिव कंट्री के अंगेंस्ट एक्शन लेना है। ऑल नेशंस आर रेडी टू डिफेंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू कलेक्टिव मिलिट्री एक्शंस, वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं जिससे उसकी पावर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और अग्रेसिव कंट्री की पावर बहुत ही छोटी रह जाती है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी इज नॉट एन अलायंस, इसका मीनिंग क्या है कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये कोई अलायंस नहीं है, ये अलायंस की पॉलिसीज को रिजेक्ट करती है। तो ये तो ये मानते हैं हम सब कलेक्टिव सिक्योरिटी में ज्वाइंटली काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि एक नेशन की सिक्योरिटी सिर्फ उसकी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे तो हम भी तभी सिक्योर रह सकते हैं। तो जो अलायंसेस बनते हैं वो क्या होते हैं, पीस के लिए थ्रेट होते हैं, तो थ्रेट क्रिएट करना इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहते हैं अगर हम चाहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है अच्छे से वर्क करे तो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। जैसे 1919 में कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसका आइडिया अमर्ज होता है, उस टाइम लीग ऑफ नेशंस हैं इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। एंड 45 में यूनाइटेड नेशन है जे आ जाती है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाती है। तो जे किसको इफेक्ट करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड करती है। तो जे कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा होना चाहिए जिसके फ्लैग के अंडर ग्लोबल पावर को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिसमें सभी बिलीव करते हो और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं करती है। इट कैन यूज द पावर व्हेन नीड अराइजेस, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब कहेगी कि इस पावर को यूज़ करना है तब इस पावर को यूज़ भी किया जा सकता है। तो इसके लिए नेशंस आपस में नहीं, तो इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी इज़ अ मिडल लेवल सिस्टम, मिडल लेवल सिस्टम क्या हो गया, पावर मैनेजमेंट में कितने सिस्टम है, 3 सिस्टम है, एक है बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है ये बहुत लार्ज कॉन्सेप्ट है। तो इनके मिडल लेवल पर कौन आती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर है आज के टाइम में इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट है इसको कोई प्रेफर नहीं करता है, इसीलिए तो बचा कौन, कलेक्टिव सिक्योरिटी बची।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस बन जाती है। नेक्स्ट इज नॉट स्टेट्स बट वॉर्स आर एनिमी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ये मानते हैं हम किसी स्टेट के अंगेंस्ट नहीं हैं, हम किसके अंगेंस्ट हैं, वॉर के अंगेंस्ट हैं। तो कोई भी स्टेट है हम स्टेट के अंगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे, जो एग्रेशन दिखा रही है हम उसके अंगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। इट डज नॉट स्टैंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द स्टेट। ये नहीं कहते अगर किसी नेशन ने अग्रेशन दिखाया है उस नेशन की सॉवरेंटी खत्म कर दो, उसको पनिशमेंट दे दो। तो ये किसको फेवर करते हैं? स्टेट को फेवर करते हैं, लेकिन वॉर को अपनी दुश्मन मानते हैं। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो अग्रेशन है अग्रेशन से पूरे देश को बचाया जाए। एंड लास्ट वन इज ऑपोजिशन टू न्यूट्रैलिटी। जी कहते हैं न्यूट्रल होना ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर हम आइसोलेट हो जाएंगे तो मीनिंग क्या हो गया कि इंटरनेशनल लेवल पर जो चल रहा है हम बैठकर तमाशा देख रहे हैं, आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, पॉजिटिव एक्शंस देने हैं। तो इंटर न्यूट्रैलिटी मीन्स टर्न अवे फ्रॉम इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट किया जा सके। अगर कोई अलग रहता है, आइसोलेट रहता है, मीनिंग वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में नेचर ऑफ फीचर्स की, नेक्स्ट सेशन में हम कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस या इसकी डिफरेंस को करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।